हे गाइज, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ मी सलोनी सिन्हा. वेलकम और वेलकम बैक टू जेस्टिक कॉस्मेटिक्स. सो गाइज, आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाले हूँ. सो बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं मैनीक्योर करवाऊँ. आप देख सकते हो मेरे नेल्स की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है. नेल पेंट उखड़ चुका है, नेल शेप में नहीं है. सो आप ये जानते हो कि आप कोई भी पार्लर में जाओ तो 2 से 3 हज़ार रुपये तो आराम से मैनीक्योर का ले लेगा. सो मैंने चला क्यों ना घर पे किया जाए, ये चीज़ ट्राई की जाए, क्या घर पे पॉसिबल है ये करना. मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखा है. मैं आपके साथ शेयर करूँगी. इस वीडियो में बने रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला स्टेप इज़ रिमूविंग योर नेल पेंट. उसके लिए मैंने कॉटन ले लिया है, थिनर ले लिया है. आप कोई सा भी कॉटन पैड और कोई सा भी थिनर ले सकते हो एंड रिमूव योर नेल पेंट. जैसा कि आप देख सकते हो नेल पेंट रिमूव हो गया है. अब हम नेल्स को फाइल करेंगे. उसके लिए आप कोई सा भी नेल फाइलर ले सकते हो. मुझे ये वाला बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत छोटू सा है और हम आराम से कहीं भी कैरी हो जाता है. सो आई एम गोइंग टू फाइल माय नेल्स. सो फाइलिंग इज़ डन. अब हम अपने हाथ को सोक करेंगे. सोक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके स्किन में जितने भी डेड पार्टिकल्स होते हैं, डेड स्किन्स होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए मैंने ये बनाया है. इसके लिए आपको चाहिए लुक वॉर्म वाटर. उसमें कोई सा भी शैम्पू डाल दो या फिर इसमें सॉल्ट भी डाल सकते हो, आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, साथ ही साथ लेमन के कुछ बूंद डाल सकते हो. और आपको इसको सोक करके, ऐसे करके सोक करके रखना है. मैं इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक रखने वाली हूँ अपने दोनों हाथों में. सो मेक श्योर यू डू दैट. सो मैंने 15-15 मिनट दोनों हैंड्स को सोक करके रखा है एंड माई स्किन इज़ फीलिंग वेरी सॉफ्ट. सो नाउ आई एम गोइंग टू वॉश माई हैंड्स. सो अगर आपके नेल्स के अंदर कुछ ऐसे डेड स्किन्स वगैरह फंस गया तो आप ऐसे कोई सा भी पुराना टूट ब्रश को लेके उसको रिमूव कर सकते हो आराम से. बहुत ईजी होता है ऐसे रिमूव करना. सो हम पहले हमने लुकवार्म वाटर में अपना हाथ डुबा के रखा ताकि हमारे स्किन डेड स्किन जो है वो थोड़े फूल जाए और जब हम स्क्रबिंग करें तो वो रिमूव हो जाए एक्सफोलिएशन के थ्रू. तो एक्सफोलिएशन के लिए मैंने ये मास्क बनाया है. इसमें आपको चाहिए थोड़ा सा कॉफ़ी एंड कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल की मात्रा आपको बहुत कम रखनी है ताकि ये अगर आप ज़्यादा रखोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा. और हमें चाहिए थोड़ा सा स्क्रबिंग काइंड ऑफ. सो हम इसको स्क्रब करेंगे अपने हाथों में बहुत अच्छे से. मेक श्योर यू मसाज इट प्रॉपरली. तो मैंने स्क्रब कर लिया है. नाउ जस्ट वॉश इट ऑफ. सो नाउ वी आर गोइंग टू मसाज आवर हैंड्स. उसके लिए आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर ले लो. आप कोकोनट ऑयल प्लस बॉडी लोशन भी ले सकते हो, बट आई एम टेकिंग दिस जेस्टिक कॉस्मेटिक हाइड्रेटिंग जेल मॉइस्चराइजर, फेस मॉइस्चराइजर बेसिकली, बट इट एक्ट्स एज बॉडी एज वेल. आई मीन बॉडीज पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है. सो मैं इससे ही मसाज कर रही हूँ अपने हैंड्स को. और इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है. सो मैं इसको मसाज कर रही हूँ. आपको थोड़ी देर तक इसको मसाज करना तब तक आपको थोड़ी देर तक इसको मसाज करना जब तक आपका मॉइस्चराइजर ड्राई ना हो जाए. सो आप देख सकते हो मॉइस्चराइजर एकदम ड्राई हो चुका है. अब हम अपना कोई सा भी फेवरेट नेल पेंट लगा रहे हैं. मुझे ये नेल पेंट पसंद है, सो आई एम अप्लाइंग दिस वन. आप कोई सा भी लगा सकते हो अपना फेवरेट नेल पेंट. सो लेट्स जस्ट अप्लाई इट. एंड माई नेल पेंट इज़ डन. एज यू कैन सी ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. आप क्लोज से देखो, मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा साफ़ हो गए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. सो यही चीज़ अगर मैं पार्लर में करवाने जाती तो जैसे मैंने बताया 2-3 हज़ार तो आराम से खर्च हो जाते हैं. सो मैंने 2-3 हज़ार रुपये बचा लिया. आप भी बचा सकते हो अगर आप ये टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो. मैं ऐसी वीडियो ज़रूर आपके लिए लेके आते रहूँगी. एंड अब मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.